राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सब प्रथम आप सभी को धनतेरस की अनंत शुभकामनाएं, क्योंकि धनतेरस आने वाली है। धनतेरस 23 तारीख को मैं बना रही हूँ और शास्त्रों के अनुसार भी 23 तारीख को बनाई जानी चाहिए, क्योंकि उदिया तिथि के अनुसार जो धनतेरस है वो 23 की ही पड़ रही है। तो आप लोगों को दो धनतेरस बनानी ही है। धन त्रयोदशी जो बनानी है वो 23 तारीख की ही बनानी है। अच्छा, धनतेरस पे हमारे भारत में ये प्रचलन होता है कि कुछ ना कुछ खरीद के घर पे अवश्य लेके आया जाता है। उस पे तो आपको अनगिनत वीडियो मिल जाएंगी कि आपको क्या खरीद के लेके आना है, कैसे खरीद के लेके आना है। लेकिन आपको कुछ चीजें जो बिल्कुल भी नहीं खरीद के लेके आनी है, आज की वीडियो उसी पे आधारित है। देखिए, आप 22 तारीख की शाम को 6:30 बजे के बाद से शॉपिंग स्टार्ट कर सकते हो और 23 तारीख को तो पूरे दिन आप खरीद के लेके आ सकते हो। इस पे मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी कि खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या चीजें आपको खरीद के लेके आनी है जो बहुत ज्यादा शुभ होती हैं, कौन सी चीजें आपको खरीद के नहीं लेके आनी है, इस पे दूसरी वीडियो बनेगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीद के लेके आनी है, आज की वीडियो उसी पे आधारित है। ये चीजें आपको बिल्कुल भी भूल कर भी धनतेरस पे नहीं खरीदनी चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात कर लेती हूँ मैं। बड़े सारे लोग बर्तन खरीद के लेके आते हैं और बर्तन खरीदना बहुत ज्यादा शुभ भी माना जाता है, लेकिन अगर वो बर्तन तांबे के हों या फिर पीतल के हों तो शुभ माना जाता है। अगर आप लोहे के बर्तन खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए। लोहे के बर्तन खरीदना अर्थात शनि को प्रभावित करना, शनि को घर पे लेके आना, तो धनतेरस पे माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, धनवंतरी कुबेर का आगमन होता है, धनवंतरी जी का आगमन होता है, शनि महाराज जी को आगमन नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको लोहे के बर्तन धनतेरस पर भूल कर भी नहीं खरीदने चाहिए। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, एल्युमिनियम के बर्तन। देखिए, एल्युमिनियम जो होती है उसमें तो शास्त्र खाना बनाने के लिए भी मना करते हैं, वो शुद्धता का प्रतीक नहीं मानी जाती है। इसलिए आपको एल्युमिनियम के बर्तन भी धनतेरस वाले दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात कर लेते हैं। लोग कहते हैं कुछ ना कुछ नया खरीदना है, चाहे कुछ भी खरीद लो, प्लास्टिक की कोकरीज वगैरह लेके आ जाते हैं। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि प्लास्टिक का कोई भी गमला इत्यादि चीजें आपको नहीं खरीदनी है। प्लास्टिक का कोई भी सामान आपको धनतेरस पे नहीं खरीदना। इनफैक्ट आपको चीनी मिट्टी के बर्तन भी धनतेरस पे नहीं खरीदने। मिट्टी के बर्तन बेसिकली खरीद सकते हो, लेकिन चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए आपको किसी भी कीमत पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और वो है कांच। कहते हैं कि कांच को शुद्धता का प्रतीक नहीं माना जाता, इसलिए धनतेरस पे आपको कांच खरीदने की मनाही होती है। और कहते हैं कि धनतेरस वाले दिन आपको किसी भी कीमत पर कांच नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जो कांच होता है वो शुद्धता का प्रतीक नहीं माना जाता। धनतेरस पे ऐसी वस्तुएं खरीदनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। धनतेरस पे कांच खरीदने की शास्त्रों में मनाही है। आगे बात कर लेते हैं और आगे बात होती है धारीदार चीजें, जैसे कि कैंची होगी। लोग कहते हैं अरे चक्कू नहीं है, चलो धनतेरस से चक्कू खरीद लेते हैं या फिर कैंची खरीद लेते हैं, सुई खरीद लेते हैं। तो धनतेरस पे धारीदार चीजें, चक्कू, कैंची, छुरी, ये सारी चीजें आपको नहीं खरीदनी चाहिए। इनफैक्ट शास्त्रों में लिखा गया है कि धनतेरस पे किसी भी प्रकार की धारीदार चीजों का ना तो उपयोग करना चाहिए। अच्छा, काम के लिए बेशक उपयोग कर सकते हैं, ये नहीं कि सिलाई मशीन से सिलाई करने पर जो, ऐसे नहीं, लेकिन ये चीजों को आपको भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस पे आपको आजकल नॉन स्टिक बर्तन बहुत ज्यादा चल गए हैं और लोग कहते हैं चलो भैया नॉन स्टिक कुकर खरीद लेते हैं या फिर नॉन स्टिक तवा खरीद लेते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि धनतेरस पे आपको नॉन स्टिक बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। नॉन स्टिक बर्तनों का उपयोग भी वैसे शास्त्रों में मना ही है, लेकिन अगर आप उपयोग करते हो तो नॉन स्टिक बर्तन की खरीदारी एटलीस्ट धनतेरस पे तो आपको नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं काली चीजें, जैसे कि काले वस्त्र हो गए हैं, काले रंग का कपड़ा हो गया है, काला कोई भी बर्तन हो गया है, काला कोई क्रोकरीज हो गई है, तो आपको धनतेरस पे ये भी नहीं खरीदनी चाहिए। काले रंग की, काले, भूरे, नीले रंग की कोई भी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। आप श्वेत कलर की चीजें खरीद सकते हैं, जैसे कि चांदी खरीदना तो बहुत ज्यादा शुभ होता है, अर्थात सोने से भी ज्यादा चांदी खरीदना शुभ होता है धनतेरस पे। तो आपको श्वेत कलर की कोई भी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इस बात का आपको आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको काले रंग की कोई भी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। काला रंग हो गया, भूरा रंग हो गया, नीले कलर की कोई भी चीजें आपको धनतेरस पे नहीं खरीदनी है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अच्छा, बड़े सारे लोग जब बर्तन खरीद लेते हैं तो घर पे आ जाते हैं, लेके आ जाते हैं, नहीं, ऐसे नहीं लेके आना है। बर्तन कभी भी खाली घर पे नहीं लेके आना, इस बात का ध्यान रखना है। बर्तन में 1 किलो चावल डाल लो, आधा किलो चावल डाल लो, 10 रुपए के चावल डाल लो, 20 रुपए के चावल डाल लो,
लेकिन कुछ ना कुछ भरकर घर पे लेके आना है। उसमें आप एक हल्दी की गांठ घर से लेके चले जाइए, एक या दो का सिक्का घर से लेके चले जाइए, एक हल्दी की गांठ और चावल, जो भी आप बर्तन खरीद के लेके आ रहे हो, इंश्योर कि वो खाली ना आए घर पे, वो भरा हुआ आए। और जब भी घर पे उसकी आगमन हो तो उसके स्वास्तिक बनाइए, जैसे कि मुख्य द्वार पे ही घर पे वो आया, जैसे कि मेन गेट पे आया, वैसे ही आपको सबसे पहले स्वास्तिक बनाना है, उसके बाद उस बर्तन को घर पे लेके आना है। मेक श्योर कि आप जो सबसे ज्यादा शुभ चीजें होती है, तांबे का लोटा या फिर तांबे का जग, स्टील का लोटा, क्योंकि धनवंतरी जी जो प्रकट हुए थे धनतेरस पे, वो लोटा लेके ही प्रकट हुए थे, जिसको कलश कहते हैं, कलश लेके ही प्रकट हुए थे, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा। अगर आप चांदी का खरीद सकते हैं तो और भी ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। धनतेरस पे आपको तेल नहीं खरीदना चाहिए, जैसे कि कोई लोग धनतेरस पे तेल खरीद लेते हैं, रिफाइंड खरीद लेते हैं, तो ये भी शास्त्रों में मनाई करी गई है, क्योंकि रिफाइंड और तेल का संबंध भी शनि से होता है, कहीं ना कहीं राहु से होता है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि धनतेरस पे इन चीजों को भी नहीं खरीदना है। धनतेरस पे अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार के जूते नहीं खरीदने, ठीक है, तो जूतों का संबंध भी शनि और राहु से होता है, तो आपको धनतेरस पे जूते इत्यादि नहीं खरीदनी है, तेल रिफाइंड आपको नहीं खरीदना है। तो मेक श्योर मैंने बहुत सारी चीजें बता दी आपको जो आपको धनतेरस पे नहीं खरीदनी चाहिए। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बताऊंगी कि धनतेरस पे आपको क्या क्या खरीदना है जो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होता है। धनतेरस पे खरीदारी करने का कौन सा शुभ तिथि है, कौन सा शुभ मुहूर्त है, इस पर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, राधे राधे, हरे कृष्णा।